हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो X90 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है अपने वीडियो कॉल की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट आपको रिचार्ज जो आपने करा रखा होता है उसे आपको चेक करना है, कहीं वो ख़त्म तो नहीं हो गया। कई बार ऐसा होता है मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट रिचार्ज हमारा ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वीडियो कॉलिंग तो आपकी बिना इंटरनेट के चलती नहीं है। तो आपको ये सबसे पहले चेक कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद मैं आपको कुछ और भी प्रोसेस बता देता हूं। अगर आपके इंटरनेट रिचार्ज अगर खत्म नहीं हुआ है ना, तो आपको कुछ प्रोसेस बताता हूं। देखिए, आपको ना सबसे पहले तो है ना अपने मोबाइल फोन को जो है रिस्टार्ट कर लेना है। कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फोन के साइड में जो पावर बटन होता है, पावर बटन को उंगली से दबा के रखना है, तो आपकी स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा इस तरीके का। इसमें आपको रीस्टार्ट का ये ऑप्शन मिलता है, आपको रीस्टार्ट पे टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई कमी आ जाती है ना, तो वो कमी जो है दूर हो जाती है। कमी क्या होती है, देखिए मोबाइल फोन हैंग करता है, वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आती है, नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, ऐसी बहुत सारी समस्याएं जो है वो सॉल्व हो जाती है फोन को रीस्टार्ट करने से। आप अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट जरूर कीजिए, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन की ना नेटवर्क सेटिंग को एक बार रीसेट कर देना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग जो है ठीक तरीके से काम नहीं करती है, जिसकी वजह से हमारे मोबाइल फोन में वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको अपने मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करने के लिए मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको सबसे नीचे की साइड है सिस्टम का ऑप्शन, आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको रीसेट ऑप्शन मिलेगा, रीसेट ऑप्शन पर टैप करना है। इसके अंदर आपको सबसे ऊपर ये रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का ऑप्शन टैप करना है। ये तीनों आपकी जो सेटिंग है ना, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ, ये तीनों सेटिंग आपकी नेटवर्क सेटिंग में इंक्लूडेड रहती है पहले से, ठीक है। तो आपको नीचे की साइड इसे रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। अब आपको इस पेज पे अपने फोन का स्क्रीन लॉक एंटर करना है। इसके बाद आपको इसे राइट क्लिक कर देना है, तो आपको नेक्स्ट पेज में सबसे ऊपर लिखा हुआ मिलेगा रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, तो आपको नीचे की साइड इसे रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। अब आपको नीचे लिखा हुआ आ जाएगा नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। इस तरीके से आप जो मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग को रीसेट कर देंगे, तो आपके फोन में जो वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस यहां पे करना क्या है, देखिए आपको जो है ना अपने मोबाइल फोन की एपिन सेटिंग को आपको रीसेट कर देना है, ठीक है। एपिन सेटिंग को रीसेट कैसे करेंगे, देखिए आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। इसके अंदर आपको जो है ना सबसे ऊपर की साइड यह ऑप्शन मिल जाएगा नेटवर्क एंड इंटरनेट का, इसे आपको टैप करना है। इसके अंदर आपको ये सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको अपनी सिम सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये एक्सेस पॉइंट नेम का ऑप्शन मिलता है, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको एपिन का पेज मिलेगा, एपिन के इस पेज में सबसे ऊपर ये थ्री डॉट पे टैप करना है, तो एक छोटा सा पेज ओपन होगा रीसेट टू डिफॉल्ट का, इसे टैप करना है। नीचे की साइड लिखा हुआ आ जाएगा रीसेट डिफॉल्ट एपिन सेटिंग, तो आप एपिन सेटिंग को रीसेट कर देंगे, तो आपके फोन में जो वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करने का है कि आपके मोबाइल जिस ऐप में वीडियो कॉलिंग की दिक्कत आ रही है ना, उस ऐप को आपको रीसेट करना है। चाहे वो आपका फेसबुक ऐप में दिक्कत आ रही है वीडियो कॉलिंग की, इंस्टाग्राम ऐप में वीडियो कॉलिंग की दिक्कत आ रही है, व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग की दिक्कत आ रही है, तो जिस ऐप में आपकी वीडियो कॉलिंग की दिक्कत आ रही है उसे आपको रीसेट करना है। कैसे, देखिए उस ऐप को आपको उंगली से दबा के रखना है, तो एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इसमें आपको ऐप इन्फो लिखा मिलेगा या फिर सर्कल में आई बटन बना होगा, उसे टैप करना है। इसके अंदर आपको स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो क्लियर स्टोरेज का, दूसरा क्लियर कैच का। आपको पहले क्लियर कैच पे टैप करना है, नीचे की साइड कैच के सामने वाला डेटा जीरो हो जाएगा, इसके बाद क्लियर स्टोरेज पे टैप करना है। डिलीट ऐप डेटा का पेज आएगा, इसमें डिलीट पे टैप करना है, तो नीचे की साइड ये यूजर डेटा के सामने वाला डेटा जो है जीरो हो जाएगा। इस तरीके से आपको उस ऐप को रीसेट कर देना है जिसमें वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब दोस्तों, इसके बाद आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपको जो है अपने मोबाइल फोन का सिस्टम यहाँ पे चेक करना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है मोबाइल फोन के सिस्टम का अपडेट आता है, हमें पता नहीं लगता है, तो मोबाइल फोन का सिस्टम जो अपडेट ना होने की वजह से भी हमारे मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कुछ कमियां आने लगती हैं। तो मोबाइल फोन का सिस्टम आपको कैसे चेक करना है, देखिए मोबाइल फोन का सबसे पहले आप इंटरनेट चालू रखिए, इसके बाद मोबाइल फोन का आप सेटिंग पेज ओपन करिए। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम अपडेट का, इसे टैप करना है। इसके अंदर अगर आपको कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड एंड इंस्टॉल अगर लिखा हुआ दिखाई देता है तो उसे टैप कर देना है। इससे क्या होगा, सिस्टम अपडेट हो जाएगा, तो आपकी वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी प्रोसेस बता दिए सारे यूज करिए, तो आपके फोन में जो वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी।